तो आज की ट्रिप की शुरुआत ऐसे हुई है कि अपने बाइक का पीछे वाला टायर पंचर हो गया। अभी बारिश के टाइम में यही बड़ा सीन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे, ओए होए होए होए, रेनबो दिख रहा है आप लोगों को, क्या सही बन रहा है। What's up guys, good morning। तो आज फाइनली IBW की राइड स्टार्ट होने वाली है एंड आई एम गोइंग फॉर महाराष्ट्र राइड एज वेल। तो अभी ऐसा सीन है कि टाइम हो चुका है अराउंड 5:30 और मेरे साथ यहाँ से राइड कर रहा है पुलक। आज मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड, मज़ा आने वाला है। IBW का जो इवेंट है वो मैं मतलब फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाला हूँ। तो अभी 6 बज चुका है और यहाँ पे बैंगलोर मेट्रो शुरू हो गई है और काफ़ी सारे राइडर मेरे को दिख गए अभी तक। मैं मतलब मुंबई वाला हाईवे ज्वाइन करने वाला हूँ तो काफ़ी सारे राइडर्स हैं जो IBW इवेंट जा रहे हैं। कई लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, कई लोग कल ही निकल चुके हैं। तो आज का अपना प्लान ऐसा है कि यहाँ से हम लोग वाया कोल्हापुर जाने वाले हैं। ये देखो एक और राइडर, तो यहाँ से कोल्हापुर जाएंगे और कोल्हापुर से वाया हिंजेवाड़ी विल नॉट एंटर पुणे और हिंजेवाड़ी से होते हुए हम लोग लोनावला पहुँच जाएंगे। द डिस्टेंस इज़ अराउंड 899 किलोमीटर्स, तो हम लोग आराम से खींचेंगे। और कैसे हो? बस बढ़िया, चलें फिर निकलें। ओके सो गाइस, अभी अपने साथ में पुलक आ चुका है और यहाँ से हम लोग राइड स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला रोड थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट दिस इज मुंबई हाईवे बैंगलोर से डायरेक्ट, तो काफ़ी अच्छा है। यही वाला सेम रूट जाता है अपना गोवा के लिए। देख के चलाना पड़ता है एंड अपन लोग वैसे भी 7:10 पे शुरू किए हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी बैंगलोर से बाहर निकलते निकलते एक लाइन बचा था तो अभी टैंक फुल है और ऑटो में दिखा रहा है 8875। तो लेट्स सी, आज पता लग जाएगा अपने को G800 का फुल टैंक का रेंज भी कितना है। तो अपने को बैंगलोर के ट्रैफिक में निकलने से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी 7:28 हो चुका है, अभी प्रॉपरली अपने को मेन हाईवे मिल चुका है तो होपफुली अब कुछ ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैंने अपना 7 ब्लैक मैं प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहा था, अभी मैंने 9 खरीद लिया तो 7 को सेकेंडरी कैमरा बना दिया है, तो एक और व्यूइंग एंगल मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग ये भी व्यू पसंद आ रहा है तो बताना मेरे को कमेंट डाउन करके। और टोल टोल बहुत पड़ते हैं यहाँ पे। तब ये वाली मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे पूरा बढ़ जाता है विंडमिल वाला रेंज और मस्त। अभी और आगे और आता है, लोगों को पास में देख रहा है, ये वाला है पूरा विंडमिल का रेंज और क्या मस्त रोड बनी है यार, मज़ा आ गया। यहाँ पे दावणगिरे से पहले थोड़ा सा एक पैच ऐसा है कि ऊपर एक्चुअली फ्लाईओवर बन चुका है, खुला नहीं है, साइड में सर्विस रोड लेके निकालना पड़ता है, बट ठीक है यार, लद्दाख से तो कम ही है। एंड इवन लद्दाख राइड के बाद में मैं फर्स्ट टाइम निकल रहा हूँ दोबारा एक लंबा राइड पे। कहाँ कहाँ से दिखा रहा रास्ता, स्ट्रेट ही है वैसे तो। तो यहाँ पे पड़ा है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, मेरे को रेंज तब भी 96 दिखा रहा है बट आई डोंट नो कि मेरे को अभी क्यों पढ़वाना पड़ रहा है क्योंकि लाइन एक भी नहीं दिखा रहा है, तो आई कैन टेक रिक्स, मतलब रिक्स नहीं लेने का एकदम। सो अभी अपना फ्यूलिंग हो चुका है और 9051 ऑटो में दिखा रहा है। अभी हम लोग हैं दावणगिरे में, यहाँ से फ्यूलिंग कराया एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कोल्हापुर। कोल्हापुर और शोलापुर में बार बार कन्फ्यूज हो रहा हूँ। चलो G900 और G800 दोनों नेकेड बेस्ड, मस्त मज़ा आ रहा है। अभी वेदर अच्छा है तो
उसके चल के अच्छा लग रहा है, बट अगर वेदर धूप ज़्यादा हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे रॉयल दिल्ली दरबार, तो यहाँ एक नीचे रास्ता चला जाता है गोवा के लिए। यहाँ पे डाइवर्जन बहुत है यार, मतलब ये मेन रोड क्यों नहीं खोला हुआ पता नहीं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हुबली और टाइम हो रहा है 10:47, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंच रहे हैं। इवन आई थिंक जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ब्रेक नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ, पानी? हाँ पानी वानी पी लेते। कौन सा? ये वाला वन वे है पूरा। ओ पूरा ओवरटेक करना पड़ेगा। सही में ऊपर से ट्रक वाले ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा है बहुत। कोई ना, पूरा वन वे। थोड़ा सा पानी वानी के ब्रेक के लिए रुके थे। मतलब बाइक का माइलेज क्या ही दे रहा है पता नहीं लग रहा है, ये जीरो क्यों दिखा रहा है। आई थिंक थोड़ी देर बाद चलाने के बाद में दिखाएगा। कोल्हापुर यहाँ से रह गया है 180 किलोमीटर, तो उसके लिए जाना है अपने को स्ट्रेट और पुणे 412। तो अभी ये मस्त रोड पड़ी है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है लिटरली। मतलब आराम से क्रूजिंग स्पीड जा रही है 150। यहाँ पे एक और विंडमिल की रेंज पड़ी है आफ्टर क्रॉसिंग धारवाड़। अभी हम लोग यहाँ आए हैं होटल साई वेज नॉन वेज। तो अभी टाइम हो चुका था 1:30, तो सोचा एक बार लंच करके फिर निकलते हैं। अभी पुणे रह गया है हार्डली 220 किलोमीटर, मस्त एकदम स्पीड पकड़ के हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे करेंगे और थोड़ी बहुत स्टोरी देखेंगे। अभी हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं 1:30, कितना हो रहा है टाइम? 2:00 हो रहा है। और ये हम लोगों ने चिकन ऑर्डर किया और चिकन हांडी और तंदूरी रोटी। और पुलक भाई अपना अभी लंच फिनिश करते हैं, देन उसके बाद में निकलते हैं, ज़्यादा किलोमीटर नहीं बचा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना लंच हो चुका है यहाँ से और टाइम हो रहा है 2:51। सो 3 hours to 4 hours आई थिंक 7:00 तक हम लोग लोनावला में होंगे। तो यहाँ पे पुणे रह गया है 208 किलोमीटर्स और वहाँ से जो अपना लोनावला का रास्ता है दैट इज़ अराउंड 87 to 88 किलोमीटर्स। यहाँ पे महाराष्ट्र वाली पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, आगे देख सकते हो। मतलब यहाँ की पहाड़ियाँ अलग है, वेस्टर्न घाट्स पहाड़ियाँ अलग हैं, हर जगह की एक अलग खूबसूरती है, अच्छा लगता है देख के। हम लोग खाना खाने से पहले क्रॉस किए थे कोल्हापुर और अभी यहाँ से सतारा रहेगा हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा। सो गाइज, अभी यहाँ पे हम लोग सतारा से 33 किलोमीटर्स पहले हैं और यहाँ पे देखो वही सतारा वाली पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। क्या मस्त वेदर हो रखा है उधर पे, मतलब आई थिंक सो बारिश हो रही है क्योंकि गिरते हुए पता लग रहा है। लवली, ये बारिश शुरू समझ में नहीं आ रहा है आगे बढ़े कि कहीं पे एक जगह रुक जाता हूँ। आई थिंक सो तेज़ है आगे बारिश, तो रुकना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तेज़ होती जा रही है, रुकना पड़ेगा आई थिंक सो कहीं। तो आज की ट्रिप की शुरुआत ऐसे हुई है कि अपने बाइक का पीछे वाला टायर पंचर हो गया और ये नहीं लगाया भाई, तो कहीं पे पीछे पंचर हो गया, उसकी वजह से पूरा टायर वोवल कर रहा था। और अभी पुलक पहुंच चुका है एक्चुअली नियर टू पुणे, तो अभी मेरे को भी खींचना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी पीछे हूँ मैं। अभी पुणे रहता है यहाँ से 80 किलोमीटर्स और बाइक की कंडीशन तो कुछ ऐसी हो रखी है, अब जाके देखेंगे, अगर धुलवाएंगे तो धुलवाएंगे, नहीं तो कहीं से एक बार बाइक पोंछ दूंगा पानी डाल के, ये बहुत ख़राब लग रही है। बट लिटरली यार, मतलब ऐसी शुरुआत नहीं होनी चाहिए राइड की। अभी नए टायर मैंने कल ही पड़वाए थे एंड एक ही दिन में काम तमाम हो गया इनका। ये वाला कवर लगा देता हूँ क्योंकि पता नहीं है अभी आगे बारिश हो रही है नहीं हो रही है। अभी बारिश के टाइम में यही बड़ा सीन हो जाता है, ये देखो पूरा पानी आ रहा है एंड राइडिंग गियर्स को मैं बचा नहीं सकता, अफसोस।
अभी टनल क्रॉस करने के बाद में हम लोग आ चुके हैं इस साइड में, मतलब मस्त लग रही है पहाड़ी इधर वाली। कुछ कुछ राइडर्स दिख रहे हैं, आई डोंट नो IBW के इवेंट में ही जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। यहाँ ओए होए होए होए, रेनबो दिख रहा है आप लोगों को, क्या सही बन रहा है, वाओ। एक्चुअली मैं तब से राइड करे जा रहा हूँ, बट लुक एट द व्यू, यहाँ पे क्लाउड्स आ रखा है, उधर पे रेनबो बन रहा है, क्या मस्त वाले नज़ारे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला रास्ता ही बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी थोड़ा सा तो धूप आई है, बट बारिश वाला मौसम अभी भी है। ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र पहले क्यों नहीं आया। तो हम लोग अभी चल रहे हैं NH 48 पे, और यार ये बारिश ने सब काम ख़राब कर दिया, वरना अभी तक अपन लोग लोनावला होते जिस हिसाब से मैं स्पीड खींच रहा था। वैसे देखा जाए हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर किया है आज, ऑलमोस्ट 800 हम लोगों ने आज ऑलमोस्ट 899 डिस्टेंस कवर करने का टारगेट किया था, एंड होपफुली सनसेट से पहले हो जाए, बट 5:34 ऑलरेडी हो चुका है तो कुछ कह नहीं सकते। कांडी हो गया सही में बारिश वारिश मेरे को भी नहीं पसंद है मेरा तो पूरा राइडिंग शूज गीला हो गया, गीला हो गया। मैं अभी निकाल के समंदर डाला, हाँ पर सूखा है करके, हाँ वरना मैं पूरा पहन के, वही ना मैं भी बीच में रुक गया, तो मैं सोचा चाय वाय पी ली, क्या चाय पी ली, चाय पी ली, अच्छा भाई एक बार चाय लगाना। तो चाय पीने के बाद में हम लोग अभी निकल लिए हैं आगे डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ से जो अपना डेस्टिनेशन दिखा रहा है, जो हम लोगों का होटल है, वो है 87 किलोमीटर्स, और नाइट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो 6-8 हो रहा है होपफुली, मतलब थोड़ा सा बारिश के चक्कर में लेट हो गए। ये टनल है न्यू कटराज टनल, पूरा कानों में आवाज गूंज गया, कोल्हेवाड़ी पुणे दिखा रहा है 19 किलोमीटर्स और हिंजेवाड़ी दिखा रहा है 24 किलोमीटर्स। सो बेसिकली हम लोगों को हिंजेवाड़ी वाला रास्ता लेना है, और पुणे के लिए आई थिंक स्ट्रेट चला जाएगा, हिंजेवाड़ी के लिए डाइवर्शन आ जाएगा। क्या बात है, मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो पुणे सिटी मतलब अलग सी जगमगा रही है आज। पुणे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे भी, 67 किलोमीटर्स के लिए दिखा रहा है 1.5 आवर। फाइनली अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं पुणे, और यहाँ से जो आगे एरिया पड़ता है हिंजेवाड़ी वो क्रॉस कर लेंगे, देन उसके बाद में एक डाइवर्जन आ जाएगा अपने को जो कि लेना है लोनावला की तरफ यहाँ पे। तो यहाँ से अपने को NH 48 पे कंटिन्यू करना है, और ये वाला ओके, तो गूगल आंटी ने बता दिया अपने को यहाँ से 11 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। एक ये हाईवे है और एक एक्सप्रेसवे है जो इससे थोड़ा सा पहले, एक मेन रोड जो चल रही थी वहाँ से निकल जाता है, उसमें सिर्फ कार्स और आई थिंक बस वस अलाउड है, बट अगर बाइक है तो इसी वाले रास्ते से आना है। मुंबई दिखा रहा है यहाँ से 133 किलोमीटर, और जो कि हम लोग निकलेंगे 6th of December। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है पूरा ट्रैफिक, 43 मिनट्स दिखा रहा है 34 किलोमीटर्स के लिए। ओह एग्जैक्टली नंबर स्विच हो गए। ये है एरिया शिरगांव, और पता नहीं यार पुणे कहाँ कहाँ तक आ रखा है,
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोनावला, और यहाँ से अपना जो होटल पड़ेगा दैट विल बी ऑन द राइट। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, और कल वाले व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, लिव लव शेयर। आई होप आप लोगों को व्लॉग आज का पसंद आया होगा। ये रहा अपना होटल, आ गया है।